हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटर कॉल। आज हम जेईई मेंस का 8 जनवरी 2020 का शिफ्ट वन का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको और भी मैथ्स के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप ट्यूटर कॉल चैनल पे और वीडियोस देख सकते हैं। हमें मैथ्स के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर भी सॉल्व किए गए हैं, और सिर्फ पेपर ही नहीं, आपको अगर थ्योरेटिक पार्ट में दिक्कत है तो आप थ्योरेटिकल वीडियोज़ भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट द लाइन y इक्वल टू एम एक्स और जो इलिप्स है वो इंटरसेक्ट करें पॉइंट P पे, ठीक है। और मुझे बोला है कि मैंने इस पॉइंट P से इस इलिप्स पे क्या बनाई है, नॉर्मल। और वो जो नॉर्मल है वो x एक्सिस पे इस पे पॉइंट पे कट करेगी, y एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करेगी। तो मुझे क्या निकालना है, बीटा, कि जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस पे कट करेगी, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो P पॉइंट है मैं x1 कॉमा y1 मान लेता हूँ। क्या बोल लेता हूँ, x1 कॉमा y1। अब किसी भी पॉइंट P से मेरा इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय हाफ लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि 2x स्क्वायर है। तो y स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इलिप्स मेरा इस फॉर्म में दिया हुआ है तो अगर इस पर मैं नॉर्मल लिखाऊँ, इस पे नॉर्मल लगाऊं कौन से पॉइंट पे, एक्स वन कॉमा वाई वन, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, उसकी इक्वेशन होती है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने पॉइंट के लिए एक्स वन कॉमा वाई वन ही लिया है, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, हाफ। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिख सकते हो यहाँ से मैं, एक्स बाय 2x1 माइनस y y y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है, हाफ, बी स्क्वायर कितना है, 1। तो हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। ये क्या आ गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन, ये आ गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। अब मुझे क्या पता है कि नॉर्मल, ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है ये x1 कॉमा y1 पे तो है, उसके साथ साथ क्या वो ये वाला पॉइंट भी नॉर्मल पे लाई करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस 1 कॉमा 3 रूट 2 कॉमा 0, ये क्या इस नॉर्मल पे लाई कर रहा है। तो मैं क्या डाल देता हूँ, x डाल देता हूँ माइनस 1 बाय 3 रूट 2 और y डाल देता हूँ मैं 0। मैं x को इसमें माइनस 1 बाय रूट 2 डाल, माइनस 1 बाय 3 रूट 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 रूट 2 एक्स 1, ठीक है। माइनस y कितना रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय हाफ। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो मैं x1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, x1 कितना आ गया मेरा, x1 आ गया 1 बाय 3 रूट 2, कितना आ गया, 1 बाय 3 रूट 2, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा x1 और y1 है वो इस एलिप्स पे भी रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ, है ना। तो अगर ये इसमें डालूंगा, इसमें क्या डालूंगा मैं, मुझे ऑलरेडी x1 की वैल्यू दी है 1 बाय रूट 3 रूट 2, तो इसमें मैं डाल सकता हूँ 2 इंटू 1 बाय 3 स्क्वायर कितना जाएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ 8 बाय 9 यानी कि 2 रूट 2 बाय 3, कितनी हो जाएगी मेरी, 2 रूट 2 बाय 3। तो यहाँ से y1 हो जाएगी मेरी 2 रूट 2 बाय 3। तो मेरा देखो x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। तो जो नॉर्मल जो मेरी लाइन है, नॉर्मल जो लाइन है मेरी, उसमें मुझे एक पॉइंट पता है क्या, x1 कॉमा y1 है, यानी कि क्या है, 1 बाय 3 रूट 2 कॉमा 2 रूट 2 बाय 3, ठीक है। दूसरा पॉइंट मुझे क्या पता है उस पर, एक ये वाला नोन पॉइंट है, कौन सा, माइनस 1 बाय 3 रूट 2 कॉमा 0, ठीक है। तो अब अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पता है मुझे, तो मैं उसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, है ना। कैसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अगर दो पॉइंट पता है तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूँगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैं x1 और y1 क्या ले रहा हूँ, x1 y1 मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, और y2 x2 क्या ले रहा हूँ, y2 x2 मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, क्लियर है। मतलब मैं इधर क्या डालूंगा वैल्यू, यहाँ पे y माइनस y1, y1 क्या डाल रहा हूँ मैं, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 0 इक्वल टू y2 क्या ले रहा है, मैंने ये चीज़ को y2 लिया है इसमें, ठीक है, ये पॉइंट माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 बाय रूट 3। और x1 कितना रहेगा मेरा, x1 रहेगा दिस
डिवाइड माइनस दिस, लेकिन माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय रूट 2 इंटू 3, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 बाय 3, y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा मेरा 2 बाय 3 रूट 2 इंटू x माइनस x1, कितना है मेरा x1 है मेरा माइनस ऑफ 1 बाय 3 रूट 2, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस बाय 3 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा इक्वेशन है इसको फर्दर अगर मैं इधर लिखूँ तो यहाँ से मैं y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, y यहाँ से आ जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू, ये कितना रहेगा 3 इधर रहेगा, 3 2 इधर रहेगा, ये 2 रूट 2 इंटू रूट 2 ऊपर आ जाएगा, तो कितना रहेगा 2 बन जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है। अभी इधर क्या बचेगा मेरा x प्लस 1 बाय 3 रूट 2, क्लियर है। 2 2 यहाँ से कैंसिल, ये इधर से 2 हो जाएगा, तो मेरा y का वैल्यू कितना जाएगा 2 इंटू x प्लस 1 3 रूट 2। और हमें देखो, हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि b का वैल्यू कितना होगा। मुझे केवल पता है कि इस नॉर्मल पे 0 कॉमा बीटा है, 0 कॉमा बीटा इस नॉर्मल की इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1 बाय 3 रूट 2, ये जो इक्वेशन आई है इसमें मेरा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें मेरा पॉइंट है 0 कॉमा बीटा, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जब मैं x को 0 डालूंगा मेरा y क्या आना चाहिए बीटा, तो y को मैं बीटा डाल देता हूँ, इधर x को मैं 0 डाल देता हूँ, तो बचेगा कितना प्लस 3 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, तो ऊपर रूट 2 बचेगा, तो मेरा बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 2 बाय 3, तो फाइनल आंसर जो बीटा का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा मेरा रूट 2 बाय 3। ऑप्शन में ये यानी कौन सा मैच होगा मेरा, ऑप्शन ऑप्शन 4, रूट 2 बाय 3 ऑप्शन 4, तो आंसर मेरा रहेगा ऑप्शन 4, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फंक्शन का डोमेन R है और रेंज उसका R है, यानी सारे रियल नंबर्स, सच दैट जब x मेरा रियल नंबर है तो क्या होगा, ये टर्म और ये टर्म क्या है मेरा AP में है, ठीक है, क्या है AP में, और मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ FX पूछा गया। तो देखो, अगर तीन कोई टर्म्स A B C AP में होते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है मेरा AP में है, तो ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ से क्या, 2 इंटू f(x) इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है मेरा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस x प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस x, ठीक है, प्लस दूसरा टर्म क्या है मेरा 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x, क्लियर है। तो अब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस x प्लस 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से f(x) की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 है इसको इधर ला देता हूँ कॉमन में, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x, एक तो ये रहेगा, इधर क्या रहेगा 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x बाय, ठीक है। अब मैं फंक्शन को क्या मान लेता हूँ, इस पार्ट को मैं 1 मान लेता हूँ, इस पार्ट को 2 मान लेता हूँ, मुझे फंक्शन की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब मुझे इन दोनों की क्या चाहिए, मिनिमम। तो जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि मेरा जो AP रहता है हमेशा क्या रहता है, GP से लेस देन इक्वल टू रहता है। तो मैं अगर दो टर्म 2 ऑफ x और 2 टू द पावर माइनस x ले लेता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का जो AP रहेगा वो क्या रहेगा मेरा GP से कम, यानी जो अरिथमेटिक इसका जो मीन रहेगा, सॉरी AP की जगह इसको AM लिख दो, जो अरिथमेटिक मीन रहेगा वो क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल मीन से छोटा। तो इन दोनों नंबरों का अगर अरिथमेटिक मीन लूंगा तो वो कितना रहेगा 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x बाय 2, ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन, जो कि कितना होगा अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस x, ठीक है। अब इन दोनों का मैं अगर मल्टीप्लीकेशन देखूंगा तो कितना आ जाएगा वो 1, क्योंकि 2 टू द पावर माइनस x को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय 2 टू द पावर x, तो क्या बोल सकता हूँ ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x कितना हो जाएगा 2 इधर ले आए तो ये लेस देन इक्वल टू 2, क्लियर है। अब सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं 3 ऑफ x लूँ और 3 ऑफ माइनस x लो, तो सिमिलरली बोल सकता हूँ 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x बाई 2
क्या होगा, इसका अरिथमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, जो कि 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर माइनस x होगा, जो कि लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x की मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या फाइंड करना था, एफ ऑफ एक्स मिनिमम, एफ ऑफ एक्स मिनिमम क्या बोल सकता हूँ मैं, फर्स्ट का जो मिनिमम वैल्यू आएगा प्लस जो सेकेंड है उसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स, तो मुझे यहां से पता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखूँ, जो सेकेंड वाला पार्ट के लिए मिनिमम है, तो सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या है, मुझे इतने पार्ट की पता है कितनी मिनिमम है, इतने पार्ट के लिए मिनिमम 2, लेकिन यहाँ पे एक बाई 2 का भी फैक्टर है, तो क्या बोल दूंगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2/2, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा मेरा, 3। तो आंसर जो मिनिमम वैल्यू आना चाहिए फंक्शन का वो कितना आएगा आपका, आंसर 3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ ए पहला पॉइंट, यानी 3D पैलोग्राम है, उसके एजेस दिए हैं यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, और मुझे उसका वॉल्यूम दिया है 1 क्यूबिक यूनिट, और मुझे बोला है कि थीटा एंगल कितना है यू और डब्ल्यू के बीच में, मुझे कॉस थीटा निकालना है। तो जब भी हम थीटा निकालते हैं तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, लेकिन आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपको यू वेक्टर पूरा नहीं दिया, यू वेक्टर में आपका एक लैम्डा है अननोन, तो आपको वो कैसे निकालेंगे लैम्डा, हम इस वॉल्यूम जो दिया है उसकी मदद से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी हमको 3 वेक्टर दिए होते हैं, अगर u वेक्टर है, एक v वेक्टर है और w वेक्टर है, तो उसमें अगर जो उनकी वजह से जो पैलो पॉइंट बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, ऐसे हम उसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में भी कर सकता हूँ, जो देखो फाइनली डॉट प्रोडक्ट बना है ना, यानी ये स्केलर रहेगा, तो इसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, u वेक्टर लिख दिया यहाँ पे, v वेक्टर लिख लिया और w वेक्टर यहाँ पे लिख दिया। u वेक्टर कितना मेरा 1 1 लैम्डा, v वेक्टर कितना मेरा 1 1 3, w वेक्टर कितना 2 1 1। ठीक है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो कितना होगा मेरा, 1 × 1 − 3 माइनस 1 × 1 − 6 और प्लस लैम्डा इंटू 1 − 2, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से ये आ जाएगा मेरा क्या, 3। ये देखो ये कितना रहेगा −2, ये कितना रहेगा −5 और ये हो जाएगा +5। ठीक है, ये कितना रहेगा मेरा माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा −2 + 5 = 3 और माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा वॉल्यूम। अब मुझे वॉल्यूम क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है मुझे 1 यूनिट क्यूब, ये दिया हुआ है। लेकिन वॉल्यूम जब भी हम लेते हैं ना, तो हम वॉल्यूम ना मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं। इसका आंसर अगर 3 − λ या λ − 3 भी आता ना, तो भी वॉल्यूम हम लेते उसका मॉड लेके। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहता है ना, वो प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं हम। तो पहले हम केस बना लेते हैं, केस वन मान लेते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम आया है वो कितना है, +1। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम जब मेरा प्लस वन आया है, तो 3 − λ कितना हो जाएगा मेरा, 1। तो लैम्डा यहां से कितना आ जाएगा मेरा, लैम्डा आ जाएगा 3 − 1 यानी कि 2। तो लैम्डा 2 हो जाएगा, तो यू वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और मेरा जो वी डब्ल्यू वेक्टर है वो कितना है मेरा, वो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा, तो वो कैसे निकालेंगे मैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डॉट डब्ल्यू अपॉन मॉड यू इंटू मॉड डब्ल्यू। तो यू डॉट डब्ल्यू कितना होगा मेरा, 1 × 2 + 1 × 1, ये जे है इधर, 1 × 1 + 2 × 1। ठीक है, मॉड यू कितना होगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 1² + 1², ये कितना हो जाएगा 2 + 2² यानी कि √6, और इसका मॉड कितना रहेगा, इसका रहेगा 2² + 1 + 1 यानी इधर भी √6। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2 + 1 + 2 यानी कि 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 4 + 1 = 5, तो 5/√6। तो थीटा कितना आना चाहिए आपका, कॉस थीटा कितना आ चाहिए, 5/√6, लेकिन हमारा 5/√6 कहाँ दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम इसमें निराश होने की कोई बात नहीं, हमारे पास एक और केस अभी बाकी है। तो केस टू हम निकाल के देखते हैं, केस टू में क्या होगा, वॉल्यूम हम क्या लेंगे, -1।
वॉल्यूम माइनस वन, ये माइनस वन और प्लस वन क्यों ले रहे थे ये समझा ना, वॉल्यूम क्योंकि हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं वॉल्यूम का, मैग्नीट्यूड हमको वन दिया हुआ है तो वो प्लस वन और माइनस वन भी उसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम अगर माइनस वन होता तो क्या होता है, इधर से थ्री माइनस लैमडा इक्वल टू क्या आ गया मेरा माइनस वन, तो यहाँ से लैमडा कितना आ गया मेरा फोर, लैमडा फोर आ गया तो यू कितना आ गया मेरा आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। और जो डब्ल्यू वेक्टर आ गया वो कितना अगर मैं टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कितना होगा यू डॉट डब्ल्यू अपॉन मॉड यू इंटू मॉड डब्ल्यू, ठीक है। तो यू डॉट डब्ल्यू कितना होगा वन इंटू टू प्लस वन इंटू वन प्लस फोर इंटू वन अपॉन रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ होगा टू प्लस वन प्लस फोर बाय सिक्स, तो ये कितना होगा टू प्लस वन इक्वल टू थ्री प्लस फोर सेवन बाय सिक्स, ठीक है, सेवन बाय सिक्स आएगा। इसमें देखो आप, इसमें जो आपका यहाँ पे जो मैंने मॉड यू निकाला था ना, मॉड यू में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रूट सिक्स पहले वाले केस की तरह ही लिख दिया, वो नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड यू निकालूंगा वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले टू के कैप था, यहाँ पे हो गया वो फोर के कैप, तो यहाँ पे मॉड इसका अलग रहेगा, कितना आएगा इसमें, इसमें मॉड आएगा अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, यानी कि कितना होगा फोर स्क्वायर हो गया आपका सिक्सटीन प्लस वन यानी कि रूट एटीन आएगा इधर, ये कितना आएगा आपका रूट एटीन, तो ये कितना होगा रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स तो इधर रहेगा, और एक और फैक्टर आएगा वो क्या रहेगा आपका रूट थ्री का फैक्टर, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो नीचे कितना आएगा सिक्स रूट थ्री, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सेवन बाय सिक्स रूट थ्री। ये ऑप्शन में हमारे है क्या, ज़रूर है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ ए बी सी आर ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ 19 सी पी 20 सी क्यू एंड 21 सी आर रिस्पेक्टिवली देन। अब देखो जब भी एन सी आर मुझे मेंशन करता है ये क्या रहता है, इसकी वैल्यू 9 फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो जब भी एन सी आर का मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता करना पड़ेगा तो दो केस रहते हैं, या तो एन अगर इवन हुआ या एन क्या हो गया ऑड, ठीक है। जब एन इवन रहता है तब जो मैक्सिमम रहता है एन सी आर मैक्सिमम कब होता है, एन सी आर मैक्सिमम कब होता है वेन आर इक्वल टू कब क्या एन बाय टू, ठीक है। अब अगर एन ऑड रहता है तब एन सी आर मैक्सिमम कब रहता है, जब आर इक्वल टू मेरा एन प्लस वन बाय टू होगा या फिर n माइनस वन बाई टू, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों पे हमारा वैल्यू क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो जब मैं 19 सी पी की बात करता हूँ इसमें मेरा n क्या है, मेरा n क्या है, मेरा n मेरा है ऑड, क्योंकि 19 क्या है ऑड, तो इसमें जब मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा कब आएगा, जब p मेरा क्या होगा या तो 19 प्लस वन बाई टू और 19 माइनस वन बाई टू, या इसका मतलब 19 प्लस 1 यानी 20 बाई टू या तो 10 होगा या 19 माइनस 1 यानी कि 18 बाई टू या फिर 9, तो 10 या 9 पे दोनों पे उसका क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और 20 सी क्यू अगर मैं इधर बात करूं तो मेरा 20 सी क्यू पे क्या है 20 मेरा क्या है इवन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा जब मेरा क्यू क्या हो जाएगा 20 बाय 2 यानी कि क्यू कितना हो जाएगा मेरा 10। अब मैं 21 सी आर की बात करूं तो यहाँ पे क्या ऐसा ही सिमिलर होगा, तो कब आएगा ये क्योंकि ऑड है तो मेरी आर की वैल्यू मैक्स मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी जब आर या तो मेरा 21 प्लस 1 बाई 2 हो या फिर 21 माइनस 1 बाई 2 हो, तो मेरा आर की वैल्यू दो कौन कौन सी आ सकती है 22 बाई 2 11 या फिर 21 माइनस 1 यानी 20 बाई 2 10, क्लियर है। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस देखो ऑप्शंस में आपको क्या दिया है ए बी सी क्या दिया है आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यूज दी है, तो देखो अब मुझे क्या बतानी है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी हम कैसे निकाल देंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, पी आपको दिया है 10 या 9 तो कुछ भी डाल सकते हो, तो 19 सी पी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी 19 सी 10, तो 19 सी 10 का वैल्यू कितना आएगा मेरा 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू
ट्वेल्व इंटू इलेवन, ठीक है। बाकी बचेगा कितना, टेन के आगे जो फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे कितना आएगा मेरे, क्योंकि नाइन ऊपर नंबर थे, नीचे भी नाइन फैक्टोरियल बचेगा। तो नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। और जो मेरा ये मैक्स की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैक्स वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए, 19 सी 10 लो सकता हूँ। अब मैं अगर 20 सी क्यू की बात करूँ, तो 20 सी क्यू का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब वो 20 सी 10 हो, तो वो उसका वैल्यू कितना होगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, और नीचे कितना आएगा मेरा, नीचे आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर है। अब देखो इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा ये चीज़ वैल्यू आया इसको क्या बोल सकता हूँ, इसमें और इसमें क्या कॉमन है मेरा, 19 के वाला, 19 के बाद वाला और 9 के बाद वाला, ये सब क्या है, कॉमन। तो मैं बोल सकता हूँ 20 बाई 10 तो इधर ले लूँ, और बाकी का जो रहेगा पार्ट, बाकी का पार्ट कितना है मेरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है 19 सीपी की, ए, इसको मैं ए भी बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, ए की, तो ए की वैल्यू ये आई है, इसको मैं बी भी बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि बी दी हुई है, तो मैं बोल सकता हूँ बी की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 20 बाई 10 इंटू ये इस पार्ट की वैल्यू कितनी है मेरी, ए, तो क्या बोल सकता हूँ, 2 इंटू ए। अपन को एक और टर्म बची है, बाकी है, वो क्या है हमारा, सी, सी क्या दिया था हमको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 21 सी आर, है ना, तो इसका मतलब कि वो कितना होगा, 21 सी 11 या 21 सी 10, दोनों क्या होंगे मेरे, सेम ही रहेंगे, तो कुछ भी निकालो, 21 सी 11 निकाल लो, तो ये कितना होगा, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर है। तो ये क्या है मेरा, 10 फैक्टोरियल तो नीचे आएगा, ऊपर कहाँ तक आएगा मेरा, 11 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 11 भी नहीं आएगा, 11 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल हो गया ना, तो 12 तक रहेगा, 21 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को क्या करो आप, इससे कंपेयर करो, ए से कंपेयर करो, तो क्या बोल सकते हो आप, ए मेरा कितना है, 19 से 11 तक है ना, तो इधर 11 नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर 11 और नीचे 11 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो 19 से 11 है ये तो ए में पॉसिबल है, और मेरा 9 से 1 ये भी ए में पॉसिबल है, तो मेरा बचता क्या है, मेरा बचता है 21 इंटू 20 ऊपर, नीचे किसका बचता है मेरा, 10 इंटू 11, और बाकी कितना टर्म रहेगा मेरा, बाकी रहेगा इसका ए, क्लियर है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इसको 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 42 बाय 11 ए, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 42 बाय 11 ए। तो मेरा सी कितना आ गया, ए के टर्म्स में लिख लिया, तो अब अगर मैं ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर, मतलब रेशियो ए इस टू बी इस टू सी का रेशियो निकालूं, तो क्या लिख सकता हूँ, ए को तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी को लिख सकता हूँ 2 ए, है ना, और सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 42 ए बाय 11, है ना। अब इस रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, 11 ए इज इक्वल टू, ये रेशियो कहाँ से कहाँ तक आएगा मेरा, 22 ए रेस टू पावर 42 ए, ठीक है, ए कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरा रेशियो क्या रहेगा इसका रेशियो रहेगा 11 इज टू 22 इज टू 42, क्या रहेगा, 11 इज टू 22 इंटू 42, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरा, कौन सा मैच कर रहा है मेरा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी का रेशियो क्या दिया है, 11 इज टू 22 इज टू 42, और मेरा रेशियो कितना रहा है, 11 इज टू 22 इज टू 42, तो आंसर आपका इसका ऑप्शन 4। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और मुझे क्या बोला है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, यानी कि जो मेरा ये है, ये क्या है, पॉजिटिव है, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स मतलब क्या रहेंगे मेरे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये चीज़ जब एक्स पॉजिटिव रहता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टेन इनवर्स एक्स मेरा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स,
अगर ये चीज़ मेरा x पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मेरा dy वाई बाई डी एक्स मुझे ये दिया हुआ है, और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइनल y का एक एक्सप्रेशन निकालना है, और फिर उसमें मुझे x इक्वल टू रूट थ्री पुट करना है, तो पाई बाई सिक्स वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं उसमें माइनस रूट थ्री पुट करूँगा तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करो, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये तो आप ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये तो ऐसे के ऐसा छोड़ दो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स को यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस वन। तो देखो ये तो आपका वैसे का वैसा ही रहेगा अभी भी, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या बोल सकता हूँ इसको, कॉस, और थीटा मेरा क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस वन। देखो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, ए स्क्वायर, जो कि कितना होगा, साइन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा कॉस स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस टू इंटू ए बी, यानी टू इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस वन। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन, तो ये चीज़ तो हो जाएगी आपकी वन, और ये चीज़ क्या रहेगी, ये चीज़ आपकी रहेगी, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ इस चीज को, तो ये कितना बन जाएगा, टू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको पता होगा कि टू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा क्या रहता है, साइन ऑफ टू थीटा, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी साइन ऑफ टू थीटा, थीटा कितना है लेकिन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये माइनस वन इधर हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस प्लस वन ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स फाइनली मेरा कितना आ गया, साइन ऑफ 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्लियर है। अब देखो ये तो आ गया x, आपने क्या एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन मुझे एक और कंडीशन दी है, क्या मुझे दी है कि dy वाई बाई डी एक्स क्या है, हाफ ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो अभी मैं ना एफ ऑफ एक्स अभी के लिए सब्सटीट्यूट नहीं करता हूँ, वो बाद में करूँगा। तो देखो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 ऑफ dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं टी बोल दो, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स को टी बोल दो, तो क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेट करो, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, ये तो कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टू इंटू वाई इक्वल टू ये डी टी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, तो टी क्या मान के चला था मैंने, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो क्या एक मेरा कॉन्स्टेंट भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये टू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, लेकिन मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये कितना रहेगा मेरा, साइन ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, तो क्या लिख सकता हूँ इधर से, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये प्लस सी, तो आपका वाई का वैल्यू आ जाएगा ये। अब इसमें कौन सा एक पॉइंट मेरा सेटिस्फाई करेगा, जब मेरा एक्स होगा रूट थ्री तब मेरा वाई कितना होगा, वाई होगा पाई बाय सिक्स, तो मैं इसमें एक्स इक्वल टू रूट थ्री डाल देता हूँ और वाई को पाई बाय सिक्स, तो क्या बोल सकता हूँ, टू इंटू पाई बाय सिक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ टू ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कितना है मेरा, रूट थ्री, कितना है रूट थ्री, ये प्लस सी। तो देखो टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री कितना होगा, रूट थ्री का मतलब कब आता है, टेन, टेन थीटा रूट थ्री कब होता है, जब होता है थीटा पाई बाय थ्री, तो ये चीज़ आ जाएगी मेरी पाई बाय थ्री, और इंटू टू भी रहेगा तो कितना हो जाएगा, टू पाई बाय थ्री,
तो 2 पाई बाई 3 कितना होता है मेरा 120 डिग्री। अब साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ 120 डिग्री क्या बोल सकता हूँ, कितना होगा वो, साइन ऑफ 120 डिग्री होगा साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो जाएगा, ये कितना बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 हो जाएगा मेरा, यहाँ से ये प्लस सी भी रहेगा, ये सी मत बोलना, प्लस सी भी रहेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री। तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, 2 × π/6, 2 ये कैंसिल, ये कितना रहेगा मेरा, पाई बाई थ्री भी बचेगा। तो पाई बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री प्लस सी आ जाएगा। तो पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री क्या कर दूंगा, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मेरा सी कितना आ गया, यहाँ से सी आ गया मेरा 0। तो फाइनली मैं वाई का एक्सप्रेशन क्या बोल सकता हूँ, वाई हो गया मेरा हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 tan inverse x। क्लियर है, ये आएगा आपका वाई का फंक्शन, ठीक है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में वाई फाइंड करने को नहीं बोला, मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला है कि जब एक्स इक्वल टू -√3 है तब वाई की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब एक्स इक्वल टू √3 डालूंगा मैं, तो देखो ये कितना होगा, हाफ इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 × tan inverse x। टेन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2, है ना। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो जब टेन थीटा की वैल्यू -√3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी, जब टेन थीटा की वैल्यू √3 होती थी तो थीटा होता था मेरा π/6। लेकिन अब क्योंकि वो -√3 है, तो मेरा टेन इनवर्स एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स √3, यानी कि माइनस ऑफ π/3। तो यहाँ पे कितना होगा मेरा, -π/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ कितनी हो जाएगी मेरी, ये चीज़ हो जाएगी मेरी साइन ऑफ -2π/3। और आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस चीज़ को लिख सकता हूँ माइनस साइन इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2π/3। और मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि साइन ऑफ 2π/3 यानी साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी √3/2। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ, ये कितना होगा, √3/2। क्लियर है। अब मुझे क्या बोला है, साइन इनवर्स की रेंज बतानी है। अब साइन इनवर्स की रेंज फिर से क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है आपकी -π/2 से π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 कितना होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, यानी कि माइनस ऑफ π/3। तो ये यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू माइनस ऑफ π/3। तो यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ π/6। क्लियर है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ π/6। तो ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है।